अरे प्लीज मुझे मत मारो प्लीज मोहिनी, मुझे जाने दो। तो गाइस इंडियन बैंक सिटी के अंदर एक फ्रैंकलिन और उसकी पत्नी दोनों ही आराम से रह रहे थे और इन दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी और जो मोहिनी थी वो काफी अच्छे से काम करती थी, पूरा घर संभालती थी और ये मोहिनी काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी। तो यार ये दोनों अपने घर में काफी ज्यादा खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन तभी एक दिन ऐसा हुआ। ओके मोहिनी, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम एक काम करना, मेरा लंच बॉक्स मेरे ऑफिस में ही भिजवा देना। चलो यार अभी मैं जल्दी चलता हूँ ऑफिस, यार मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ और यार आज तो हमारे पास काफी ज्यादा काम है, हमें सारे क्लाइंट के कार की डिलीवरी करानी है। चल यार जल्दी चल फ्रैंकलिन, और यार हमारा एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट है जिसकी कार डिलीवरी करानी है आज ही। अरे यार हम लोग इतने ज्यादा भुलक्कड़ कैसे हो सकते हैं यार, जो हमारा इम्पोर्टेंट क्लाइंट था हम लोग उसकी कार की भाई डॉक्यूमेंट्स घर पे ही भूल गए थे। तो यार अभी मुझे सबसे पहले घर पर चल के डॉक्यूमेंट्स लेके भाई उसकी कार की डिलीवरी आज ही करानी होगी, वो भी इसी टाइम। अरे नहीं ये नहीं हो सकता, प्लीज मोहिनी उठ जाओ, क्या हुआ? हेलो मोहिनी क्या हुआ तुम्हें? प्लीज मोहिनी उठ जाओ, तुम मर नहीं सकती। तो यहाँ पर मोहिनी फिसल कर पानी के अंदर गिर जाती है, जिसके बाद उसके सर में काफी ज्यादा चोट आता है और सही टाइम पे हेल्प ना मिलने की वजह से मोहिनी यहाँ पर मर जाती है और फ्रैंकलिन की हालत भी यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और फ्रैंकलिन काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है। उसके बाद फ्रैंकलिन किसी तरीके से मोहिनी को बाहर निकाल कर लेके जाता है अपने बेडरूम के अंदर, उसको वहाँ पर रख देता है। मोहिनी को मरा हुआ देख कर फ्रैंकलिन एक बात ठान लेता है, नहीं मैं मोहिनी को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता, मैं इसको बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी यानी कि कुछ भी। तो यार अभी सुबह हो चुकी है और मोहिनी मर चुकी है, बट ये बात हमें किसी और को नहीं बताना है क्योंकि यार हम लोग कुछ करने वाले हैं काला जादू, जिसकी हेल्प से मोहिनी जिंदा हो सकती है। मोहिनी को एक ही औरत ठीक कर सकती है जो कि है चुड़ैल, और वो कहाँ पर रहती है वो सिर्फ हमारे फ्रेंड राकेश को पता है। ओके तो अभी हम लोग आ चुके हैं राकेश के छोटे से गांव के अंदर, चलो भी जल्दी से यहाँ पर बाइक को खड़ी कर देता हूँ, उसके बाद राकेश को बुलाता हूँ। हेलो राकेश कहाँ हो? हेलो राकेश देख मुझे तुझसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए, मुझे ये बता आखिरकार वो चुड़ैल कहाँ पर रहती जो कि काला जादू करती है। वो खतरनाक चुड़ैल? लेकिन फ्रैंकलिन तू भी पूछ रहा है, क्या हुआ? नहीं राकेश वैसी कोई बात नहीं है, मेरा एक फ्रेंड है जो कि इन सब चीजों पे रिसर्च कर रहा है तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है, लेकिन फ्रैंकलिन अपने दोस्त को बोल देना उस चुड़ैल से बच के रहे, वो चुड़ैल का घर बहुत दूर है हमारे सिटी से, काफी ज्यादा दूर, करीब 200 किलोमीटर दूर है और वो एक सुनसान एरिया में रहती है और वो रेंट काफी ज्यादा हरामी भी है। अपने फ्रेंड को बोल दो ना वो बच के रहे, वो तुम्हें मिलेगी कंटेनर साइड। तो चलो यार अभी हमारी राकेश से बात हो चुकी है, उसने यार हमें लोकेशन तो बता दी है, बट यार वो चुड़ैल तो हमारे सिटी से काफी ज्यादा दूर रहती है, काफी 200-250 किलोमीटर दूर, बट यार हमें अपनी मोहिनी को बचाने के लिए ये तो करना ही होगा, जल्दी चलते सीधा उसके लोकेशन पर। तो यार अभी हम लोग काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं और हमें चलते चलते रात भी हो चुकी है, बट यार हम लोग अभी भी उसकी झोपड़ी फाइंड नहीं कर पाए। और वेट ये क्या, हमें इसकी झोपड़ी दिख चुकी है जो कि भाई हमारे सामने ही है। चलो यार अभी जल्दी चलते हैं उसके चुड़ैल से बात करते हैं कि हमारे मोहिनी को जिंदा कर पाएगी या फिर नहीं। हेलो चुड़ैल कहाँ हो तुम? यार यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा मुझे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा शायद से अंदर कोई है नहीं, शायद से मुझे अंदर चल के चेक करना चाहिए। चल फ्रैंकलिन अंदर चलते हैं। अरे बाप रे, नहीं 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 प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे मत मारना। तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। देखो देखो सुनो, मेरा नाम फ्रैंकलिन है और मुझे भेजा है राकेश ने, मुझे तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए, छोटी नहीं एक बड़ी सी हेल्प चाहिए। देखो मेरी बीवी मोहिनी जो कि मर चुकी है, मुझे उसको जिंदा कराना है और मुझे ये भी पता है तुम इसके बदले क्या लोगे, मुझे पता है तुम बहुत सारे जानवर का मीट लोगे, मैं तुम्हें वो लाके दूंगा वो भी ट्रक भर भर के। अच्छा तो ऐसी बात है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अलग अलग 5 NPC का खून लेके आओ जिसके बाद ही मैं तुम्हारी बीवी को जिंदा कर सकूंगी। अरे यार बाल बाल बचा, ये चुड़ैल तुम मुझे ही खा जाती, मैं तो इससे हेल्प मांगने गया था, यार अभी इसने मुझे बोला है मुझे 5 अलग अलग NPC के ब्लड लेके जाना है जिसके बाद ही वो हमारी हेल्प करेगी। तो चलो अभी मुझे चलना होगा सबसे पहले सिटी के पास, वहीं पर हमें मिलेंगे NPC। और यार ये काम करते समय हमें काफी ज्यादा डर भी लग रहा है, बट यार हमें करना होगा। चलो यार अभी मैं आ चुका हूँ, एक सोसाइटी है और यहाँ पर कितने सारे लोग टहल रहे हैं, मुझे जल्दी से मारना होगा, बट यार काफी ज्यादा डर लग रहा है, सॉरी मैडम। चलो जाओ अब, तो मुझे भी टोटल 4 NPC को और मारना है और उनके ब्लड को कलेक्ट करना है जिसके बाद ही हमारी मोहिनी वापस से जिंदा हो पाएगी। ओके तो अभी मैंने 2 फिनिश कर दिए, ये तीसरी भी मार दी और ये चौथी भी, चल निकल तू भी, और 5वां मेरे सामने है उसको भी जल्दी से मार देता हूँ। अरे वेट भाई, यहाँ पर तो पुलिस पड़ चुकी है हमारे पीछे, वो भी 3-स्टार की, मुझे जल्दी से सारे बॉडी में से खून इकट्ठा करना होगा। चलो यार मैंने अभी 3 बोतल खून इकट्ठा कर लिया, बट यार हमें टोटल 5 बोतल चाहिए। अरे वेट ये क्या, पुलिस वाले आ चुके, जल्दी कर फ्रैंकलिन हमें भाई खून इकट्ठा करना ही होगा।
चलो यार फाइनली हमें 5 बोतल भाई अलग अलग एनपीसी के खून का इकट्ठा कर लिया। ओके ओके सर मैं अरेस्ट कर रहा हूँ अपने आप को, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। ओके ओके सर मैं भाग नहीं रहा, मुझे गोली मत मारो। चलो यार अभी सुबह हो चुकी है। ओके वेट ये क्या, मैं जेल में कैसे आ गया? अरे भाई तुम बेहोश थे, पूरी रात जेल में पड़े थे। क्या मैं पूरी रात जेल में पड़ा था? ओके वेट मेरे पास मेरी वेपन्स है, इन्होंने मेरी वेपन्स नहीं छीनी। हेलो भाई मैं क्या इन सारे पुलिस वाले को मार दूं? हाँ भाई मार दो, मैं भी ऐसे भाग जाऊंगा फिर। तो अभी यार मुझे सारे पुलिस वाले को मारना होगा। ओके बेट चल निकल तू, तुमने हमें जेल के अंदर बंद किया था, ऐसे ऐसे मुझे जेल के अंदर बंद कर दो? तुम्हें पता नहीं क्या मैं फ्रैंकलिन हूँ? फ्रैंकलिन मुझे कोई भी जेल के अंदर बंद नहीं कर सकता कभी भी। ओके वेट यार यहाँ पर गलती से मेरे हाथों से भाई एक नॉर्मल एनपीसी भी मर गया, बट यार हमारे हाथों से इतने सारे लोग मर चुके हैं, तो एक और मर गया तो कोई बात नहीं। चलो जल्दी चलते हैं सीधा चुड़ैल के पास। और यार हमें आते आते रात हो चुकी है, बट यार फाइनली हम लोग डायन के घर पे पहुंच गए। ये लो जैसा कि आपने बोला था 5 अलग अलग एनपीसी के खून लेके आने थे, वो मैं ले आया हूँ। अब तुम जल्दी से मेरी बीवी को ठीक कर दो। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, तुम पहले जाओ मेरे लिए लेके आओ एक जर्मन शेफर्ड का खोपड़ा, उसके बाद ही ठीक होगी। अरे यार ये चुड़ैल तो काफी ज्यादा पागल भी है, अगर ये हमें पहले ही बताती होती तो हम लोग दोनों चीजों को पहले एक साथ ही लेके आ गए होते। तो यार अभी मैं वापस चलना होगा अपने फ्रेंड के घर पे, यार उससे पूछना होगा आखिरकार हमें कहाँ पर मिलेगा एक जर्मन शेफर्ड का खोपड़ा। और ये रहा हमारा फ्रेंड राकेश, चलो इसे जल्दी से बात करते हैं। हेलो राकेश, देख मुझे एक जर्मन शेफर्ड चाहिए पालने के लिए, बताओ मुझे कहाँ मिलेगा? अच्छा तुझे एक डॉग चाहिए, देख मैं तुझे बताता हूँ, तेरे घर के सामने वाले चैलेंज को कम्प्लीट करने के बाद ही तुझे मिलेगा एक जर्मन शेफर्ड डॉग। ओके थैंक्स राकेश ब्रो, चलो बाद में मिलते हैं। ओके यार तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस चैलेंज के पास, तो यार इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद ही हमें मिलेगा भाई एक जर्मन शेफर्ड, जिसमें कि भाई हमें उसका चाहिए खोपड़ा। तो चलो यार जल्दी से इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, चल फ्रैंकलिन लेट्स गो। और वेट ये क्या भाई, हमें आउट बिल्कुल भी नहीं होना है, अगर यार हम लोग यहाँ से नीचे गिर गए या फिर बाहर चले गए तो यार हमारा ये मिशन फेल्ड हो जाएगा, जिसके बाद हमें जर्मन शेफर्ड खोपड़ा नहीं मिल पाएगा, उसके बाद यार हमारी पत्नी भी जिंदा नहीं हो पाएगी यार, इसीलिए हमें बिल्कुल ध्यान से चलाना होगा बाइक को। अरे फ्रैंकलिन क्या कर रहा है यार, जल्दी से आगे चल यार, हमें कंटेनर को पार करना है। अरे नहीं यार हम लोग लेट हो चुके, थोड़ा सा हमें यहाँ पर वेट करना होगा जिसके बाद ही हम लोग आगे जा सकते हैं। अरे शायद से यहाँ से जगह है, यस भाई यहाँ पर जगह। अरे नहीं यार यहाँ पर तो जगह बिल्कुल भी नहीं। ओके वेट बाइक को पीछे लेके हमें जल्दी से इसके ऊपर से निकालना होगा, लेट्स गो फ्रैंकलिन कम ऑन। अरे वेट ये क्या भाई, यहाँ पर तो यार बीच बीच में भाई इन्होंने पत्थर लगा रखे। ओके वेट ब्रेक ब्रेक भाई, हम लोग तो बाल बाल बचे, अगर यार हमारी बाइक की स्पीड थोड़ी और ज़्यादा होती तो फिर हम लोग सीधा नीचे चले जाते, बट यार हमारी बाइक बिल्कुल स्लो थी इसलिए हम लोग बिल्कुल कंट्रोल कर लिए। ओके लेट्स गो, तो अभी हमें यहाँ से जाना आगे की तरफ। और वेट ये कैसा रास्ता यार, आगे तो यार हमें कुछ दिख भी नहीं रहा यार, हमें यार अपनी बाइक की स्पीड बिल्कुल धीरे धीरे करके लेके जानी होगी, क्योंकि यार आगे कहीं पर भी रास्ता ख़राब हो सकता है, यानी कि भाई हम लोग आगे कहीं पर भी आउट हो सकते हैं, उसके बाद यार हमारा मिशन तो फेल्ड हो जाएगा, तो इसीलिए यार हम लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी करना नहीं चाहते, हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, कोई बात नहीं यार हमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बट यार हमारा मिशन तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ओके वेट तो अभी हमें अपनी बाइक भाई इसके ऊपर से जंप करानी है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नॉर्मल। ओके और यार अगर हमारी बाइक इन कौन से यार हल्की सी भी टच हो गई तो यार हमारी बाइक ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगी, जिसके बाद यार हम लोग भी मर जाएंगे। तो यार हम लोग बिल्कुल अपने बाइक को कंट्रोल में चलाएंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यार हमें पता है अगर हमने ओवर स्पीडिंग करी तो हमारी बाइक कहीं ना कहीं पर तो ठुक जाएगी, जिसके बाद यार हम लोग मर भी जाएंगे। तो चलो यार और वेट ये क्या भाई, भाई ये रास्ते में ऐसे ऐसे क्या लगा रखे भाई, इतना खतरनाक रास्ता बनाया गया है जिसकी वजह से भाई हम लोग, अरे सीट बच गए भाई, बाल बाल बचे यार, हम लोग तो मर भी सकते थे, बट कोई नहीं यार। ओके वेट हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, तो अभी हमें यहाँ से एक जंप मारना था बट नहीं मारना था। वेट अरे फ्रैंकलिन क्या कर रहा भाई, बच गए यार बच गए भाई, अगर हम लोग यहाँ से नीचे गिरते ना यार तो हमें भाई वापस से दोबारा से मिशन कंप्लीट करना पड़ता, जिसके बाद यार हम लोग तो मर जाते, बट यार कोई बात नहीं अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके। ओके तो अभी हमें यार अपनी बाइक को फुल स्पीड में लेके चलना और यहाँ से जंप कराना है, जिसके बाद यार हमारा ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। ओके लेट्स गो, अभी हमें वहाँ पर जंप करना है जहाँ पर एक रंगोली दिखाई दे रही है, और फाइनली हम लोग पहुँच गए। ऑलराइट यार तो अभी मुझे यहाँ पर एक जर्मन शेफर्ड मिल चुका है, तो अभी मुझे जल्दी से इसको मारना होगा, जर्मन शेफर्ड सॉरी ब्रो। अरे वेट ये मर क्यों नहीं रहा, शायद से मुझे अपनी राइफल निकालनी होगी। ओके अभी इससे तो मरेगा, चलो यार मैंने इसको मार तो दिया, बट यार अभी मुझे इसके साथ काटा पिटी करनी है, इसकी खोपड़ी निकालनी है। तो चलो यार अभी मैंने जर्मन शेफर्ड की खोपड़ी ले ली है, तो चलो अभी जल्दी चलते हैं उस चैड़ेल के घर पे, क्योंकि यार अगर हमें ज्यादा लेट हुआ तो भाई रात हो जाएगी, और यार हमें सच में भाई आते आते रात हो चुकी है, बट यार चैड़ेल का घर हमारे से बस थोड़े से ही दूर है, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे चैड़ेल के घर पे सीधा।
ऑलराइट, हम लोग फाइनली चुड़ैल के घर पे पहुंच गए। देखो आपने जैसा मुझे कहा था मैंने वैसे ही कुत्ते की खोपड़ी ले आई है, अब तुम जल्दी से मेरी बीबी को जिंदा कर दो, प्लीज कर दो। अरे पागल मनुष्य, चुपचाप बिल्कुल खड़ा हो जा, मैं उसे ठीक कर रही हूँ। ये लो, मैंने काला जादू करके उसके लिए एक दवाई बना दी है, तुम ले जाओ और मोहिनी को पिला दो, लेकिन हाँ वो तुम घर के बाहर ही करना, घर के अंदर नहीं। अच्छा ठीक है मैं समझ गया, तो मैं अब जा रहा हूँ, मैं तुम्हें जल्द ही ट्रक भर के मीट भेज दूंगा। तो चलो यार अभी हम लोग जल्दी से घर चलते हैं, इस चुड़ैल ने भाई पता नहीं क्या जहर टाइप बना कर दिया, बट यार हमारी मोहिनी तो ऑलरेडी मर रखी है तो उसे पिलाने में कैसी डर है, तो चलो जल्दी से घर चल के उसको पिलाते हैं। तो चलो यार फाइनली हम लोग अपने घर पर आ चुके हैं, अब जल्दी से यार हम लोग चलते अपने बेडरूम के अंदर और मोहिनी को यार बाहर लेके आते हैं, उसके बाद ही हम लोग उसको पिलाएंगे वो जहर वाली बूटी। तो यार जैसा चुड़ैल ने बोला था उसको सारी बूटी पिला देनी है, तो मैंने सारी बूटी पिला दी और यार इसको देखो ये क्या हो रहा, नीला नीला बूटी हो रहा, और यार ये देखो ये शायद से जिंदा हो गई। हेलो मोहिनी तुम मुझे सुन सकती हो क्या? अरे वेट, लेकिन ये क्या यार इसका चेहरा पूरा काला कैसे हो रहा है? अरे भाई इसे क्या हो रहा है? अरे वेट मोहिनी तुम इतनी बड़ी कैसे हो रही हो? और शिट ये क्या हो गया? फ्रैंकलिन मैं मोहिनी नहीं हूँ, मैं वही चुड़ैल हूँ, मैं तो बस एक बॉडी ढूंढ रही थी जो कि तुमने हमें बॉडी दे दी, अब मैं तुम्हें बिल्कुल खा जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं चुड़ैल, अरे नहीं मोहिनी प्लीज मुझे जाने दो। तो गाइस यहाँ पर मोहिनी मर चुकी थी और मोहिनी की बॉडी में आ चुकी थी एक चुड़ैल की आत्मा। तो गाइस आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताना, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।